हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने बेसिक्स ऑफ टेंस की सीरीज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझेंगे. ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आज हम अपना पॉजिटिव सेंटेंस ले रहे हैं. ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस स्टेप इन 19. ओके, स्टेप 19 पॉजिटिव सेंटेंस. देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस को समझने के लिए, पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस को समझने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि किसी भी हिंदी के वाक्य में आपको अंत में आ शब्द मिलेगा, मतलब जो क्रिया होगी वो आ, नहीं गया, नहीं खाया, आ आ, हाँ इस तरीके से आपको नहीं खाया, नहीं पिया, नहीं गया, नहीं पढ़ा, ठीक है ना, इस तरीके का आपको वाक्य देखने को मिलेगा. नहीं आई, नहीं वे नहीं गए, वे नहीं आए, ठीक है, ऐसे. या ता था, ती थी, ते थे जैसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे. जैसे देखिए, वह पेड़ लगाता था, वह पढ़ाती थी, वह बजता था, यह बजता था, शिवा पहाड़ पे चढ़ता था, आ था, ठीक है, इस तरीके का मिल रहा है. मैं उससे बात करता था, ता था, हम साथ खाना खाते थे, ते थे, तुम तेज दौड़ते थे, वे साथ में गाते थे, ठीक है. तो हमने क्या देखा इन सारे सेंटेंसेस में कि ता था, ती थी, ता था जैसे शब्द आ रहे हैं, ते थे, है ना, ते थे ऐसे शब्द आ रहे हैं. अब यह है कि इसमें नियम क्या लगता है. तो स्टूडेंट्स, नियम को समझने के लिए हम देखेंगे कि इसमें ही, शी, इट, राम, आई, वी, यू, दे, ये हम लोग हर बार याद करते हैं ना, अपने सारे स्टेप्स में हम लोग इसे याद करते हैं. हम लोग शुरू से याद कर रहे हैं, ही शी एट आई वी यू दे, ही शी एट आई वी यू दे. तो ही शी एट आई वी यू दे के साथ सेकेंड वर्ब फॉर्म लगती है. एक सिंपल सा नियम है कि ही शी एट राम आई वी यू दे के साथ सेकेंड वर्ड फॉर्म लगती है. ओके, उसके बाद अब हमें बनना देखना है कि वीडियो ये हम किस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे. ठीक है, तो सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं. वह पेड़ लगाता था, ठीक है, तो ही प्लांटेड अ ट्री, या उसने एक पेड़ लगाया. ही प्लांटेड अ ट्री, आ आ, ठीक है. वह पढ़ाती थी, देखिए प्लांटेड जो है पेड़ लगाने की जो क्रिया है, लगाया, पेड़ लगाया तो प्लांट किया है ना, तो प्लांटेड अ ट्री, ठीक है, ही प्लांटेड अ ट्री. तो ये जो है ये थर्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, गो, वेंट, गॉन, ठीक है. अगर हम लिखते हैं गो, फिर लिखते हैं वेंट, और फिर लिखते हैं गॉन, तो ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है गो, वेंट और गॉन, ठीक, इतना समझ में आया. तो ये जो सेकेंड फॉर्म वेंट होती है, उसी तरीके से प्लांट, अगर प्लांट का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, प्लांट, प्लांटेड, प्लांटेड, ठीक है. तो इस तरीके से हम प्लांट का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे. तो इसी आधार पे हम यहाँ पे प्लांटेड वर्ड लेते हैं, ठीक. तो वह पेड़ लगाता था, तो लगाता की इंग्लिश क्या हो गई, प्लांटेड अ ट्री, क्लियर. वह पढ़ाती थी, शी टॉट, टॉट, टी ए यू जी एच, टी, टॉट, ठीक. अगर टीच की, टीच, टॉट क्या है, टीच का सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी टॉटी होता है, ठीक है. सो वह पढ़ाती थी, शी टॉट, ठीक है, इसको समझ में आ रहा है. देखिए, एक नियम ये है कि आप ये क्वेश्चन उठा सकते हैं कि मैडम हम ये कैसे समझें कि ये सेकेंड ही फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म नहीं है. तो स्टूडेंट्स, ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि ये सेकेंड ही फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म नहीं है. कैसे, क्योंकि हर थर्ड फॉर्म के साथ हैज़, हैव या हैड जरूर आएगा, ठीक है. हर थर्ड फॉर्म के साथ हैज़, हैव या हैड ज़रूर लगा होगा, तभी उसको थर्ड फॉर्म माना जाएगा. अगर वो नहीं है तो इसे सेकेंड फॉर्म माना जाएगा, ठीक है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. वह पढ़ाती थी, शी टॉट, टी ए यू जी एस, टीच का टीच, टॉट, टॉट, ठीक है. यह बजता था, इट ब्लू, ठीक है, यह बजता था, इट ब्लू.
फिर आ गया शिवा पहाड़ पे चढ़ता था। शिवा पहाड़ पे चढ़ता था। शिवा क्लाइम्ड माउंटेन। शिवा क्लाइम्ड माउंटेन। ठीक है, अच्छा अब हम बढ़ते हैं आगे। मैं उससे बात करता था। आई टॉक्ड टॉक टॉक्ड टॉक्ड। ठीक है, तो थर्ड टॉक फर्स्ट फॉर्म टॉक्ड एंड टॉक्ड, तो हम लोगों ने टॉक्ड लिया है। ठीक है, सेकंड नंबर वाला, मैं उससे बात करता था, बात करने की इंग्लिश टॉक्ड हो गई यहाँ पे। सो टॉक्ड टू हर, हम साथ खाना खाते थे। We ate together. तुम तेज दौड़ते थे. You ran. ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों का ran आ गया। You ran fast. ठीक, वे साथ में गाते थे। They sang together. Sing, sang. ठीक है, सॉरी संग, सिंग सैंग संग। ठीक है, तो यहाँ पे सैंग आ गया। वे साथ में गाते थे, वे के लिए दे, साथ में के लिए टुगेदर, और सैंग गाते थे। क्लियर। नाउ गेट फेमिलियर्ड। क्या है यहाँ पे हमें करना, देखिए इन सेंटेंसेस को भी पढ़ेंगे। ये कुछ अलग तरीके से बनाए गए हैं। ये ताहे वाले हैं, जैसे ये लाइन में है, और एक ये इस टाइप के भी हैं। उसने आम खरीदे, ही बॉट मैंगोज। उसने साड़ी बेची, शी सोल्ड अ साड़ी। यह चला था, इट मूव्ड। रमेश मंच पर गया, रमेश वेंट ऑन द स्टेज। मैं बाजार गया, ही शी इट, और नाम आ गया। यहाँ पे आई वी यू दे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं बाजार गया, आई वेंट, गो वेंट गॉन, है ना। तो हमने वेंट लिया क्योंकि सेकेंड फॉर्म लगती है वर्ब की। सो आई वेंट टू मार्केट, हम कुछ किराना लाए। Bring brought. तो हमने brought लिया, हम कुछ किराना लाए। We brought some grocery. तुमने चावल पकाए। You cooked rice. Cooked. Okay? So cooked हमने second number वाला लिया। तुमने चावल पकाए। You cooked rice. उन्होंने चावल खाए। They ate. Eat. ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म eaten, तो एट लेंगे सेकेंड फॉर्म। ठीक है, दे एट राइस, इसमें ही शी एट और आई वी यू दे के साथ सेकेंड ही फॉर्म लगती है। कोई फर्स्ट फॉर्म या डू डज वाला स्टाइल का कुछ नहीं होता, सबके साथ सेकेंड फॉर्म लगती है, तो इसलिए ये इजी होता है। ठीक है ना, इसे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने कमेंट लिख करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, क्या कमी लगती है, तो हम उसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दें, और थैंक यू सो वेरी मच।